सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्राची और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे एरिव ब्रास पे। सो आप सभी लोग कैसे हैं? और मैं जानती हूं हमारे सभी चैनल्स पे नई नई कहानी आ रखी है, तो आप उन कहानियों को बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे होंगे। और फिलहाल इतना प्यार अभी काफी नहीं है, आप सभी को और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना होगा हमारी कहानी में, और ज्यादा प्यार दिखाना होगा हमारी कहानी में, ताकि हम उसको आगे से और एक बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के अपलोडिंग सेक्शन की बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिम स्टोरी की। सो एनिम स्टोरी पे आप सभी के लिए लाल पति तो डल ही चुकी है, जिसका दूसरा एपिसोड आप पॉसिबल करेंगे आज जरूर देख पाए, जो कि डलने वाला एनिम स्टोरी पे जरूर देखना। कहानी को आगे और रहस्य की तरफ कहानी को हम लेकर जा रहे हैं। क्या है अमायरा का सच और कौन है ये लड़का जो अमायरा के पीछे पड़ा है? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? तो बहुत से सवालों के साथ हमारा अगला एपिसोड आ रहा है, तो जरूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लब सिटी की, जहां आप सभी को किन्नर माँ का तीसरा एपिसोड देखने के लिए मिल चुका होगा, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है हमारे लव सिटी पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए। एक बहुत ही अच्छी सामाजिक कहानी को हम लेकर आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में ये चीजें हो रही है और गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसको कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे हमें किन्नरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत कुछ है जो आप सभी को ये कहानी सिखाने के लिए आ रही, तो जरूर देखना, मिस मत करना। नहीं देखा तो जल्दी से क्लब सिटी पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो है आज से बनना शुरू हो गया है, जल्द ही वो भी आप सभी के लिए डलने वाला है, तो आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं काका टीवी की, करते हैं काका टीवी पे आप सभी के लिए हमारा अगला एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 4 जल्दी आएगा, वो भी काका टीवी पे जरूर देखना। कहानी आगे की तरफ जा रही, किस किस तरह की चीजें हो रही है कहानी में, आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है हमारे अगले एपिसोड में, तो मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की, तो हॉरर सिटी पे आप सभी को 3 वेंडी हॉरर स्टोरी देखने के लिए मिल चुकी होगी, जो कहानी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है हमारा हॉरर सिटी पे। अगर आप डरावनी कहानी देखना चाहते हैं, सस्पेंस पसंद है, थ्रिलर पसंद है, तो आप लोग ये कहानी को जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा कहानी को देखिए। नेक्स्ट कहानी कौन सी आ रही है आगे आने वाले ब्लॉग्स में जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब पारी है आप सभी से सवाल पूछने की, तो सवालों का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं आप सभी से हमारे एनएम स्टोरी से किया गया सवाल, अमायरा के स्टूडेंट्स का नाम क्या है? आप लोगों ने एपिसोड तो देख ही लिया होगा, तो आपको जवाब जरूर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं लव सिटी के सवाल की, तो लव सिटी में आप सभी जैसे कि किन्नर माँ चल ही रही है, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वेद के घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? देखा है ध्यान से, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट काका टीवी से आप सभी के लिए सवाल है कि रंगोली जब बाजार में जाती है तो वो घर के खाने में कुछ चीजें लेकर आती है, तो वो चीज क्या होती है? हालांकि उसे कोई नहीं खाता, संजोली और कोमल दोनों मना कर देते कि हमें नहीं खाना पे, तो वो चीज कौन सी थी? अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा तो आपको जरूर पता होगा, जल्दी से आगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो ये हो गई हमारी बॉडी की बात खत्म, आप चलते हैं हमारे लास्ट व्लॉग में, देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमेंट्स आए हैं। So let's go, पढ़ते हैं हमारा आज का पहला कमेंट जो कि हमारे पास आया है। वैसे तो लाल परी का एपिसोड 1 बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन इस स्टोरी को परिलोक पर बेस बनाना प्लीज नाइस स्टोरी। सो थैंक यू पहले तो आप सभी का आपका कमेंट करने का, और दूसरा आप लोग चाहते हैं कि इस कहानी को परिलोक पर बेस होकर बनाया जाए। वैसे परिलोक का तो मुझे कोई आइडिया तो है नहीं कि कहानी परिलोक पे जाएगी या नहीं आएगी, पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग कुछ देखने वाले हो, वो सस्पेंस मैं अभी नहीं करूंगी, आगे आने वाले ब्लॉग में जरूर बताऊंगी, पर हाँ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के सामने कुछ आने वाला है इस कहानी को लेकर। नेक्स्ट है हमारे पास किन्नर माँ को भी बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच कहानी को पसंद करने के लिए। आप लोग कब से चाहते थे कि हम किन्नर माँ की स्टोरी लेकर आए, तो उसको प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आया है लड़की का नाम काली है, जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही है, थैंक यू मुझे हमारा जवाब देने के लिए। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है आई एम रेन राज लाल पर स्टोरी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आया है किन्नर माँ एपिसोड 3 टीजर परसों ही देखा एंड आल्सो एपिसोड 3 भी आज ही देखा, लेकिन ये क्या वेद के घर पर किन्नर लड़कियां या बच्चे अलाउ नहीं है? ये कैसा परिवार है जो लड़कियों को इस तरह बढ़ावा देता है? शर्मा राइटर से रिक्वेस्ट है कि ये घुसखोरी वालों को अभी रोक दो, वरना उनका अंजाम इतना बुरा होगा कि वेद के परिवार को क्या किसी के बाप के परिवार को इस तरह से अत्याचार करने से पहले भगवान को जरूर याद करना पड़ेगा।
जी हाँ, अभी तो है ऐसी कोई स्टोरी हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने। फिलहाल तो अभी तो हमें भी नहीं पता कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। ट्विस्ट एंड टर्न के साथ बहुत सारे आप सभी के सामने कहानी को लेकर आ रहे हैं। और अगर शर्मा राइटर ने कहानी लिखी है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के और बहुत अच्छे तरीके से लिखी होगी, कुछ ना कुछ समझाने के लिए लिखी होगी। तो कहानी को देखते जाइए और बस पसंद करते जाइए। नेक्स्ट आगे है लाल परी एपिसोड 3 का टीजर देखा, लेकिन मेगा अमायरा से मुंह से खून निकल रहा है, क्या ये राज छिपा रखा है? जी हाँ, अब ये राज तो आप सभी को हमारे एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। ये तो मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कि ऐसा क्या है। तो कहानी देखना, जब जरूर पता करना, क्योंकि क्या है ना, सस्पेंस बनेगा तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहेगा। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के कॉमेंट। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमें कॉमेंट करा है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी कहानी को पसंद कर रहे हैं। सो बस कॉमेंट का सिलसिला यही खत्म करके आपको मैं ले चलती हूँ बिहाइंड द सीन में, दिखाती हूँ आप सबकी जो कहानी है कहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट आपको मैं इस तरफ दिखा देती हूँ। ये वाला जो एपिसोड है ये है हमारा लव सिटी का, किन्नर माँ का, जो एपिसोड आज से बनना शुरू हो गया है। ये है एपिसोड 4 जो कि आप लोग देखने वाले हो। और ये वाला जो एपिसोड है वो आपको अब जो है बिहाइंड द सीन में, यानी कि बिहाइंड द फ्लैशबैक में लेकर जाने वाला है कि किस तरीके से सान जो थी एक किन्नर के रूप में आप सभी को देखने को मिलने वाली है, और क्या थी सांझ की कहानी, मतलब उसी को लेके जो है हमारा अगला 4th एपिसोड जो है आप लोग देखने वाले हो। अभी आज से बनना शुरू हुआ है, कल भी इस पे काम चलेगा, तो मे भी परसों तक आप सभी को ये एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, और बस आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि किस तरीके से परी जो है वेद के घर जाती है, और किस तरीके से वेद उसका ख्याल रखता है, और परी के आने से उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। इस चीज़ को लेके अगला एपिसोड आपके लिए आ रहा है, तो ज़रूर देखें, मिस बिल्कुल। वही मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यह रंग बदलते रिश्ते का न्यू थंबनेल, यानी कि रंग बदलते रिश्ते आपको फिर से हमारे 1-5 एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जरूर बने रहे, कहानी के साथ आपको देख के बहुत मजा आएगा। So that's it, ये थे हमारे आज के बिहाइंड द सीन। उम्मीद है आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, कहानियां भी बहुत पसंद आ रही होंगी। तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल मिस ना करें, और हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको हमारा एपिसोड कैसे लगे। बस अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए NM Blast।